नमस्कार साथियों, खबर सहजगत में आपका स्वागत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब में कैप्टन युग की समाप्ति हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफे के बाद यह तो इशारा किया है कि मेरे विकल्प अभी खुले हुए हैं, हालांकि उन्होंने विकल्पों को ज्यादा संक्षेप में नहीं समझाया है। हम बात करेंगे उनके विकल्पों की भी, लेकिन उसके पहले नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की है, उनको लेकर एक नया बवाल खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया है कि चरणजीत सिंह चन्नी 2018 में मी टू मूवमेंट से जुड़े रहे हैं। एक महिला अधिकारी को उन्होंने अनुचित संदेश भेज दिया था, उसको लेकर राज्य महिला आयोग ने संज्ञान भी लिया था। और एक ऐसे राजनीतिक दल जिसकी मुखिया स्वयं एक महिला है और उन्होंने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का सोनिया गांधी से आग्रह है कि यह व्यक्ति मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है, इन्हें तत्काल मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। यह आग्रह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सोनिया गांधी से किया है। 2018 के एक मामले को लेकर 2018 में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, नवनियुक्त मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी ने एक महिला अधिकारी, IAS अधिकारी को एक अनुचित संदेश भेजा था। उसके पहले अमित मालवीय, जो भारतीय जनता पार्टी IT विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि एक महिला को अभद्र और अनुचित संदेश भेजने वाले को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वाह राहुल जी। ये राहुल जी पर एक तंज उन्होंने भी किया था। अब पहले तो 2018 में जब ये मामला उठा और वहां के राज्य महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया, तब ये मामला तो दब गया था। लेकिन अब चूंकि वे मुख्यमंत्री हैं और आने वाले 6 महीने में चुनाव होने हैं वहां, और पंजाब ने में इनको मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने एक दलित कार्ड भी खेला है। पंजाब के 32% दलित मतदाताओं को पोलराइज करने का जो कांग्रेस ने प्रयास किया है, वो कहां तक सफल होगा? और ये बवाल जो चन्नी के पीछे लगा हुआ है, अब बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया और उन्होंने ये कहा है कि मेरे विकल्प खुले हुए हैं, हालांकि उनके ये कहने से एक स्पष्ट संदेश जारी होता है कि वे राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं, वे राजनीति में रहेंगे। बात करते हैं उनके विकल्पों की। जिस तरह की विचारधारा कैप्टन अमरिंदर सिंह रखते हैं, उस तरह की विचारधारा को देखते हुए यह लगता है कि वे शिरोमणि अकाली दल या आम आदमी पार्टी के साथ तो नहीं जा सकते, तो क्या उनका विकल्प भारतीय जनता पार्टी होगी? उन्होंने इस्तीफे के बाद ये कहा है कि यदि सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, जो कांग्रेस पंजाब के प्रधान है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो वह इसकी मुखालफत करेंगे और विद्रोह करेंगे। क्यों? क्योंकि सिद्धू की दोस्ती पाकिस्तान में इमरान खान और बाजवा, सेना प्रमुख बाजवा के साथ, सिद्धू राष्ट्रीय सुरक्षा, पंजाब की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। तो इस तरह के राष्ट्रवादी बयान वर्तमान भाजपा की राजनीति के अनुकूल है, इसलिए ऐसा लगता है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में जा सकते हैं या भाजपा के साथ अपने भविष्य की संभावनाओं को देख रहे हैं। बात करें भाजपा की, तो भाजपा को भी NDA से शिरोमणि अकाली दल के अलग होने के बाद पंजाब में एक मजबूत चेहरे की विकल्प की तलाश है। तो क्या भाजपा की तलाश कैप्टन अमरिंदर के रूप में और कैप्टन अमरिंदर के विकल्प भाजपा के रूप में एक दूसरे के पूरक होंगे? इसकी संभावनाएं इसलिए भी हैं कि कैप्टन की नजदीकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रही है और मोदी भी उनकी तारीफ कई बार कर चुके हैं। मामला 3 मार्च 2018 का है, जब नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ में यह कहा था कि कांग्रेस कैप्टन को उस तरह से नहीं लेती, उस तरीके से नहीं समझती है। और हालांकि कैप्टन ने उस समय नाराजगी जाहिर की थी, और इसका ट्वीट ANI ने, न्यूज एजेंसी ने भी एक ट्वीट किया था इसको लेकर। अब इन दोनों की तलाश एक दूसरे को लेकर किस हद तक जाएगी और भविष्य में क्या देखने को मिलेगा, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में जाएंगे और भविष्य में भाजपा के साथ चुनाव में जाएंगे, या अपने खुद की पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में और राजनीतिक पारी अपनी एक और नई शुरू करेंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में। कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, तो उसकी हवा राजस्थान तक भी गई।
राजस्थान में पायलट समर्थकों को, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थकों में भी एक उम्मीद जागी है कि पंजाब वाला फार्मूला शायद राजस्थान में भी हो। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार एवं संगठन में भी आमूलचूल बदलाव होने के संकेत हैं, और ऐसे में पायलट समर्थक ये आशा और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो एक साल से उन्हें आश्वासन दिए गए हैं उन आश्वासनों में कहीं ना कहीं पूर्ति हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट अपने कुछ समर्थकों के साथ अभी दिल्ली में हैं, और अभी तक वे जब दिल्ली में रहते रहे तो राजस्थान के प्रभारी अजय माकन और संगठन के जो पदाधिकारी केसी वेणुगोपाल हैं उनसे ही मुलाकात करते रहे हैं। अभी उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मिलने का समय मांगा है। ये सूत्रों के हवाले से आ रही खबरें हैं। अब इसमें इनकी ये मुलाकात राजस्थान में किस तरह के परिवर्तन लाएगी या परिवर्तन नहीं लाएगी, ये सब भविष्य के गर्भ में है। देखना यह है कि क्या पंजाब वाला फार्मूला राजस्थान में भी लागू होगा। पंजाब में एक युवा को मुख्यमंत्री बनाया है तो राजस्थान में भी किसी युवा को कांग्रेस मौका देगी या अशोक गहलोत ही पार्टी का चेहरा रहेंगे। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।